Hello all, this is Dr. Gunjan Vishwakarma from Mindful Journey. I welcome you all. कल मैंने आप लोगों के लिए कोई पोस्ट नहीं की थी, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ गए थे. कल मैं बहुत बिजी थी, मैं चाहकर भी टाइम नहीं निकाल पाई. आई एम सो सॉरी. आज मैंने स्पेशली अपने यूट्यूब पोस्ट के लिए टाइम निकाला है और मैं आप लोगों के लिए एक पिके कार्ड रीडिंग करके देना चाहती हूँ, क्योंकि इस मंथ में अभी तक एक भी पिके कार्ड रीडिंग नहीं हुई है. तो लेट्स चेक. और टॉपिक क्वेश्चन जो मैंने सोचा है दैट इज व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. और वो कोई भी हो सकते हैं, आपका कोई रिलेशनशिप, आपका कोई वर्क प्लेस, या कहीं भी, जहां भी, जिस भी व्यक्ति पर आपका सबसे पहला ध्यान जाता है, या जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. तो चलिए एक पिके कार्ड रीडिंग लेकर देखते हैं. इस रीडिंग को मैं इस तरीके से करना चाहूंगी. चार ऑप्शन देती मैं आपको. ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4. नंबर चार में से कोई एक नंबर आप चूज कीजिए. आपके दिमाग में जिस नंबर के ऊपर आपका माइंड स्टक हो रहा है, जिस नंबर पर आपका माइंड पुल कर रहा है, उस नंबर को आप अपना नंबर समझिए. फिर से बताती हूँ, नंबर 1, 2, 3 और 4, चार में से कोई एक नंबर चूज कर लीजिए. और हर एक नंबर के साथ में एसोसिएटेड कार्ड्स होंगे, एसोसिएटेड पाइल्स होंगी. तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके नंबर पर, यानी जो नंबर आपने चूज किया, उस नंबर के अकॉर्डिंग आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है. ओके. और मैं इस पर टाइम स्टैम्प लगा दूंगी तो आपको आसानी हो जाएगी. आपने जिस नंबर को चूज किया, आप डायरेक्टली अपने नंबर की रीडिंग पर आप स्किप कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं. सो लेट्स चेक what they are thinking about you. What they are thinking about you. Number one. Okay, let's start. Wow. What they are thinking about you? They are thinking to communicate with you. वो आपके साथ बातचीत करना चाहते. See, we have eight of wands card is for communication and traveling. आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो भी इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं. और वो न सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, बल्कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी ओर ट्रेवल करना चाहते हैं, आपके और उनके बीच के डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं. What a beautiful beginning. Let's check more. Oh my God. तो previously इस relationship में कुछ तो ऐसा हुआ था कि आपने इस व्यक्ति को या तो चीट किया या इस व्यक्ति ने आपको चीट किया. आप दोनों ने एक दूसरे के साथ किसी तरह का झूठ बोला, किसी तरह की सीक्रेट्स रखे, एक दूसरे के साथ में ईमानदार व्यवहार नहीं किया. और इसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हो गए, आप दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए, या आप दोनों अपनी अपनी वर्क प्लेस पर अलग हो गए, या आप दोनों ने एक डिस्टेंस मेंटेन करके अपनी अपनी लाइफ जर्नी पर आप दोनों आगे बढ़ गए थे पिछले पास्ट में. एंड सी आप लोगों को दिस ऑल हैपन बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ बैड टाइम. कुछ खराब समय आप दोनों के बीच में आ गया था, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं इस तरीके से घटी. लेकिन जो आपके पर्सन है ना, वो अब आपको सी जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, जब आप अपनी लाइफ की जर्नी पर आगे जा चुके हो, ये दिस मैन और दिस वुमन, व्हाटएवर हूएवर ही इज और शी इज, दे आर लुकिंग बैक टुवर्ड्स यू. ये आपके और वापस देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आप किस तरह से इनके बिना बहुत अच्छी तरह से थ्राइव कर रहे हो या कर रहे हो, और आप कितनी अच्छी तरीके से आप अपनी जिंदगी को लीड कर रहे हो. एंड नाउ दिस पर्सन, ये जो पर्सन है, ये आप भी हो सकते हो या आपका पार्टनर जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ये व्यक्ति अपने पुराने किए हुए गलत डीड्स के बारे में सोच रहा है, विचार कर रहा है, उनको ठीक करने के बारे में सोच रहा है. मे बी आपसे अपोलॉजी यानी आपसे माफी मांगने के बारे में सोच रहा है, या पुराने जो इसने कम्युनिकेशन रॉन्ग कर दिए थे, उन कम्युनिकेशंस को वो ठीक करने के बारे में सोच रहा है. एंड वो सोच रहा है कि वो किसी भी तरह से अपने गुड टाइम्स को, आपके साथ बिताए हुए एक अच्छे समय को, जो उसने खो दिया है, उस अच्छे समय को वो फिर से अपनी जिंदगी में लाना चाहता है. दिस इज वॉट दे आर थिंकिंग अबाउट यू. Let's check more. Wow, this pile is very beautiful. ये व्यक्ति पहले आपसे अलग होकर किसी और पार्टी के साथ या किसी और व्यक्तियों के साथ इन्वॉल्व हो गया था. इसने अपनी डिस्टेंस मेंटेन कर ली थी. यस,
किसी तरह का सीरियस कमिटमेंट चाहते थे, आप इस व्यक्ति से किसी तरह का सीरियस बिहेवियर चाहते थे, लेकिन इन्होंने अपना सारा ध्यान सिर्फ आप पर देने की बजाय मल्टीपल लोगों पर दिया, दूसरे लोगों के ऊपर दिया, एंड यू वर लाइक इन अ वेटिंग मोड। आप वेट करते रहे और ये आपकी वेट को, यानी कि आपको इग्नोर करके ये कंटिन्यूसली दूसरे लोगों को प्रोवाइड अपना टाइम, अपनी एनर्जी दूसरे लोगों को प्रोवाइड करता रहा। एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड दैट यू टर्न बैक, आपने इनकी तरफ से टर्न बैक कर लिया, आपने इनकी तरफ से अपना माइंड को घुमा लिया, और मे बी आप किसी और व्यक्ति की तरफ कनेक्ट हो गए। यू आर नाउ कनेक्टेड विद समबडी एल्स जो आपको इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करता था, जिसने आपको बराबरी का हक दिया, बराबरी का सम्मान दिया, प्यार दिया, अधिकार दिया। आप ऐसे किसी व्यक्ति की तरफ आप मूव कर गए। और जब आपने ऐसा किया ना, जब आप किसी और व्यक्ति की ओर मूव कर गए, सी दैट टावर, इस पर्सन पर जिसने पहले आपके साथ चीटिंग की, जिसने पहले आपको धोखा दिया, जिसने पहले आप पर ध्यान नहीं दिया, नाउ ही इज गोइंग थ्रू अ टावर मोमेंट। ये एक टावर मोमेंट, यानी एक अपनी जिंदगी के एक रफ टाइम से या एक बहुत ही इमोशनल टर्मोइल से ये गुजर रहा है इस वक्त। नाउ ही इज लुकिंग टुवर्ड्स यू फॉर अ गुड डिसीजन। अब ये आपकी तरफ करेक्ट डिसीजन लेकर ही wants to communicate, he wants to come towards you for a good communication. I think now you are on crossroads. Now you don't know what to do. Maybe इस व्यक्ति ने आपके साथ recently आपने communicate किया होगा या अपना decision आपको बताया होगा। इस व्यक्ति ने आपको ये बताया होगा कि he wants to give something good to you। इस तरह का इसने कुछ communicate किया होगा और now you are in क्रॉसरोड्स। अब आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिसने आपको पहले डिच कर दिया था और आप दूसरे व्यक्ति की तरफ मूव कर गए थे, जो कि इस व्यक्ति से कई कई गुना ज्यादा अच्छा आपके साथ बिहेव शायद अभी कर रहा है या ऐसी संभावना है, तो आप ना इस व्यक्ति से जिसने पहले आपको डिच किया, इससे मूव ऑन हो गए, और अब इसके रिटर्न होने पर नाउ यू आर कॉन्फ्लिक्टेड, नाउ यू आर कंफ्यूज कि अब मैं इसका क्या करूं। और सी टेन ऑफ सोर्ड्स, What he is thinking about, वो ये सोच रहे हैं कि आप उनको धोखा देकर जा चुके हो, और he is very much in pain. What he is thinking, he is very much in pain. वो pain जो उन्होंने कभी आपको cause किया था, now he is going through the same pain. He wants to वो अपनी पुरानी गलतियों को ठीक करना चाहते हैं, वो अपनी पुरानी गलतियों पर करेक्ट एक्शंस लेना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप उन्हें छोड़कर दूर जाएं। इस बारे में ही इज पैशनेट, ही वांट्स टू पैशनेटली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स यू। यू आर इनडिसाइसिव, आप इनडिसाइसिव हो, क्योंकि आप अभी भी उनके दिए हुए ऑफर पर भरोसा नहीं करते हो। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, दिस पर्सन जो कि रिटर्न बैक होकर आया, अभी भी आपको ऑफर प्रोवाइड कर रहा है। नाउ द डिसीजन इज इन योर हैंड। यू हैव टू पर्संस, वन जिसने आपको पहले डिच कर दिया था और अपनी एनर्जी, अपना समय किसी और व्यक्ति को दिया, दूसरा जो आपको प्रोवाइड करने के लिए, आपको इक्वल गिव एंड टेक के लिए तैयार है, और आपके पास में दोनों ओर से पॉजिटिव ऑफर से। नाउ डिसीजन इज योर्स, आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। तो पाइल नंबर वन के लिए ये मैसेज था, व्हाट दे आर थिंकिंग एंड व्हाट इज योर कंडीशन। आपके लिए, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, मैं आपके लिए एक कुछ मैसेजेस देना चाहती हूँ। व्हाट यू शुड डू नाउ। फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन। आप अपने पैशन की ओर मूव कीजिए। जिस व्यक्ति के साथ रहकर आपको पैशनेट फीलिंग आती है, जिस व्यक्ति के साथ रहकर आपको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज मोर पैशनेट टुवर्ड्स मी, दिस पर्सन इज मोर इन टू मी, आप उस व्यक्ति की ओर मूव कर जाइए। ईगल, सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव, चीजों को बड़े पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश कीजिए, अपने हर तरीके से स्थिति पर विचार करने की कोशिश कीजिए, किस ओर जाने पर क्या होगा और किस ओर जाने पर क्या नहीं होगा, चीजों को फिर से कंटेम्पलेट करने की कोशिश कीजिए, सोच समझ कर विचार लेकर कदम बढ़ाइए। दो कार्ड्स आए हैं,
ट्रेडर एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, यही मैंने कहा ना, अपना पैशन, जहां पर आपको अबंडेंस की फीलिंग आ रही हो, जहां आपको स्टेबिलिटी की फीलिंग आती हो, जहां पर आपको लगता हो कि मुझे बदले में कुछ मिलेगा, मैं कुछ पा सकता हूँ या मैं कुछ पा सकती हूँ, ऐसे रिलेशन की ओर आप मूव कीजिए। स्टार गेदर सी योर साइट्स हायर, फिर वही बात आ गई, सी योर साइट्स हायर, बिग परस्पेक्टिव से, हायर परस्पेक्टिव से सोचिए, लॉन्ग टर्म में सोचिए, लॉन्ग टर्म में जिंदगी के लॉन्ग रन में आपको कौन सा रिलेशनशिप ज्यादा फायदा देगा, कौन सा रिलेशनशिप ज्यादा स्टेबल होगा, मूव टुवर्ड्स दैट स्टेबल अबंडेंट रिलेशनशिप्स। ओके, तो ये था पाइल नंबर टू के लिए व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट, लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर टू। जिन्होंने नंबर दो चूज किया है, देखते हैं कि वो जिसके भी बारे में सोच रहे हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर टू शफल करके देखते हैं, जिन्होंने नंबर टू सेलेक्ट किया है, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं विचार कीजिए, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। और ये एक से ज्यादा पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपकी वेट कर रहे हैं, यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, आप नाइन ऑफ कप्स, यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, वो आपको एक बहुत ही पॉजिटिव लाइट में देखते हैं, एंड दे आर वेटिंग फॉर यू, दे आर वेटिंग फॉर यू। वो शायद ये भी इच्छा कर रहे हैं कि एक ना एक दिन आप उनकी और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए आप उनकी और आओगे, ऐसा आप उनको कोई अच्छा ऑफर दोगे, ऐसे आपके अच्छे ऑफर की वो वेट कर रहे हैं। Let's check more. Oh my God, ये तो पूरा कार्ड नंबर वन का पूरा ऑपोजिट हो गया। ये पर्सन आपको इक्वली देना चाहता है, ये व्यक्ति आपको इक्वली देना चाहता है, जितना आप उसको देना चाहते हैं उतना इक्वली ये भी आपको देना चाहते हैं, और ये आप उनकी तरफ आए तो आपको कुछ अच्छा देने के लिए ये वेट कर रहे हैं, ये आपके विश फुलफिल करना चाहते हैं, और ये आपसे अपनी विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, ये एक फुलफिलिंग रिलेशन चाहते हैं आपसे, ये एक बहुत ही इक्वल बैलेंस्ड फुलफिल रिलेशन चाहते हैं। मे बी ये पहले इनडिसाइसिव थे आपके विषय में, ये पहले इनडिसाइसिव थे और इस वजह से ये किसी और सिचुएशंस को ये एंटरटेन कर रहे थे, और इस वजह से ये आपसे दूर हो गए थे, और आपको ऐसा लगने लगा था कि ये रिलेशनशिप इक्वल नहीं है, इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो सकता है, और आपने इस पर अपनी मेहनत कर दी थी, और आपने अपना डिसीजन देने के बाद में आपने इनके डिसीजन की काफी समय तक वेट की थी, लेकिन पहले ये शायद डिसाइड नहीं कर पाए थे कि इस रिलेशनशिप में, ये आपके विषय में ये पहले डिसाइड नहीं कर पाए थे कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, लेकिन नाउ दे आर सीइंग यू एज देयर विश फुलफिलमेंट। ये जिस चीज पर विचार कर रहे थे, टू ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है, ये जिस चीज पर विचार कर रहे थे ना, अब ये जानते हैं कि इनका विश फुलफिलमेंट आप हो। नाउ दे आर वॉन्टिंग, ये आपके साथ में टीम वर्क करने की इच्छा रखते हैं, और अभी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, ऐसी सेम एनर्जी, वन और टू कार्ड्स की फाइल नंबर की सेम एनर्जी आ रही है। ओ माय गॉड, सेम कार्ड्स, टावर, सेम कार्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ वांड्स। ये रिलेशनशिप भी पहले खत्म हो चुका था, इस रिलेशनशिप में भी कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में एक हार्ड टाइम आप दोनों ने फेस किया है, लेकिन मे बी आप शायद दोनों ही, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया, यानी आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को एक नए सिरे से पैशनेट बिगिनिंग अब देना चाहते हो। हाँ, पाइल नंबर वन और पाइल नंबर टू में जो डिफरेंस है वो ये है कि पहला पाइल नंबर वन में जो कनेक्शन कट ऑफ हुआ था, दैट वॉज बिकॉज ऑफ चीटिंग ऑफ समवन, जिसमें किसी व्यक्ति ने चीट किया और उसकी वजह से वो कनेक्शन कट ऑफ हुआ था, लेकिन यहां पर जो ये रिलेशनशिप का कट ऑफ हुआ ना, दैट इज बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन ऑफ वन पर्सन और बोथ ऑफ द पर्सन। इस रिलेशनशिप में दोनों ही पर्सन ने एक दूसरे के साथ चीट नहीं किया है, दोनों ही एक दूसरे
का इंतजार कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के विश फुलफिलमेंट है। और ये बात दोनों ने ही डायरेक्टली एक दूसरे को नहीं बताई थी, दोनों ने ही थर्ड पार्टी यानी तीसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व करने की कोशिश करी थी इस चीज में, और इस वजह से ना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। और कंफ्यूजन क्रिएट होने की वजह से ये रिलेशनशिप जो था स्टक हो गया, ये रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हो गई, ये रिलेशनशिप में धोखाबाजी नहीं, इस रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन की वजह से डिस्टेंस होना, कंफ्यूजन की वजह से रिलेशनशिप का खराब होना। और आई थिंक नाउ अब आपके व्यक्ति ने किन्हीं और व्यक्तियों से बातचीत करके अपने कंफ्यूजन को दूर किया है, और अब जबकि उनका कंफ्यूजन दूर हो चुका है, नाउ ही वॉन्ट्स टू मूव टूवर्ड्स यू, नाउ ही वॉन्ट्स टू डू राइट थिंग्स टूवर्ड्स यू, एंड नाउ ही वॉन्ट्स अ पैशनेट न्यू बिगिनिंग विद यू, ये कहता है ये पाइल नंबर टू। तो जिन्होंने पाइल नंबर वन सेलेक्ट किया है वो थोड़ा सा अवेयर हो जाएं कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, मे बी वो व्यक्ति ने आपको प्रीवियसली चीट किया, और चीटिंग करने की जो व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है ना, वो आगे भी कंटिन्यू करने की संभावना रहती है। तो वहां आपको सोच समझ कर डिसीजन लेने का राय दी जा रही थी टैरो में। और सेकंड वाली पाइल में इट वॉज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये रिलेशनशिप खराब हुआ है। अगर आपने कार्ड नंबर टू सेलेक्ट किया है ना, तो आई विल सजेस्ट यू कि इस व्यक्ति के बारे में आप बातचीत करके, दूसरे लोगों से बातचीत करके अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को और आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग को आप दूर करने की अगर आप कोशिश करेंगे, तो क्वाइट पॉसिबल है कि इस रिलेशनशिप की फिर से एक बेहतर शुरुआत हो जाएगी, हो सकती है। लेट्स आपके लिए भी हम कार्ड्स लेंगे, एंजल थेरेपी, एंजल एंड एंसेस्टर्स की तरफ से आपको क्या मैसेज आ रहा है, लेट्स चेक। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। मैंने कहा ना, इस सिचुएशन में आप वाइजली एक्ट कीजिए। इस सिचुएशन में अगर आपने थोड़ा सा समझदारी से काम लिया, तो ये सिचुएशन ठीक होने के बहुत अच्छे चांसेस है। दो कार्ड्स आए, लेडी, यस लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स, एंड ओरेकल कार्ड, वेट फॉर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यस, ये व्यक्ति के विषय में आप थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठी कीजिए। मे बी आप मिसअंडरस्टैंड कर गए, मे बी आप दोनों के बीच में कोई गलत फहमी हो गई। अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी, और अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पर्सन तक पहुंचेगी, देन यू कैन एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड। उसके बाद में इस रिलेशनशिप में फिर से एक बेटर ब्यूटिफुल बिगिनिंग होने की पूरी पूरी संभावना, इस रिलेशनशिप के फ्रूटिफिकेशन यानी कि इसके इसके अच्छे रिजल्ट्स आने की पूरी पूरी संभावना है, ऐसा पाइल नंबर टू की ये रीडिंग है। तो व्हाट दे आर थिंकिंग, पाइल नंबर टू, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, पाइल नंबर वन से कहीं अधिक ये पॉजिटिव था। और पाइल नंबर वन में दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, और यहाँ पर देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ थर्ड पार्टी। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों पाइल्स में, जिसने जैसा सेलेक्ट किया वो उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकता है। उसके बाद पाइल नंबर थ्री, लेट्स चेक पाइल नंबर थ्री, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। आप जिस व्यक्ति के बारे में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आई वुड नॉट टेक, बहुत सारे कार्ड गिर गए। आप जिनके बारे में सोच रहे हो ना, वो बहुत ज्यादा वर्क पर कंसंट्रेटेड है इस वक्त, वो बहुत ज्यादा वर्क पर कंसंट्रेटेड है, अपना करियर बनाने पर कंसंट्रेटेड है, और आप भी शायद, आप भी अपना वर्क और करियर बनाने पर कंसंट्रेटेड है, और वो ये सोच रहे हैं कि आप बिजी हो, आप अपना करियर, आप अपना वर्क, आप अपना फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान दे रहे हो, ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं, दैट यू आर बिजी, कि आपका ध्यान उन पर नहीं है, ऐसा वो सोच रहे हैं। वो अपने वर्क
वर्क और करियर पर बिजी है, वो अपने फाइनेंसिस पर बिजी है, और शायद आप भी अपने वर्क और करियर पर बिजी हो, और आप भी और इस वजह से ना आप दोनों ने इस रिलेशनशिप को ना ठंडे बस्ते में डाल दिया पहले, लेकिन अब ये रिलेशनशिप के फिर से रिन्यू रिजुवेनेट होने की चांसेस हैं। आप में से दोनों या आप में से कोई एक अपना लव ऑफर लेकर दूसरे व्यक्ति की तरफ बढ़ना चाहता है, आपको आपको नहीं लग रहा है कि सारे मैसेजेस एक जैसे ही निकल के आ रहे हैं? What they are thinking about you? इस व्यक्ति ने पहले आपके साथ में रूड बिहेवियर किया है, कटिंग बिहेवियर किया है, ईगो और प्राइड में ऑपरेट किया है, और पहले आप रीसेंट पास में आपके इनके साथ काफी झगड़े हुए हैं, लेकिन नाउ इज लाइक वो अब इन झगड़ों के ऊपर रोक लगाना चाहते हैं, या आप भी अब उनके साथ होने वाले झगड़ों पर रोक लगाना चाहते हैं, क्योंकि आप फिर वही कार्ड देखिए, विशेष फुलफिलमेंट, इतने सारे कार्ड्स हैं लेकिन बार बार वही कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि आप उनके लिए आप उनकी विश हैं, आप उनके लिए उनकी वो ब्यूटीफुल विश है जिसको वो अब लड़ाई झगड़ा खत्म करके रोकना चाहते हैं, और वो बदल रहे हैं, आपके पर्सन बदल रहे हैं। पहले ही वॉज लाइक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वेरी कटिंग, वेरी 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 एरोगेंट एरोगेंट टाइप ऑफ पर्सन, लेकिन नाउ ही इज लाइक चेंजिंग, ही इज चेंजिंग इनटू नाइट ऑफ कप्स। ये आपको एक लविंग केयरिंग ऑफर लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि प्रीवियसली इस रिलेशनशिप में जो भी डिस्टेंस आई थी, अब इसमें रिजुविनेशन, इसमें नया स्पार्क आ रहा है, आएगा। सेम कार्ड्स अगेन, टावर, टावर। इस व्यक्ति के पहले के कटिंग बिहेवियर, रॉन्ग बिहेवियर की वजह से आपने क्लियर कट डिसीजन ले लिया था, शायद आपने इस व्यक्ति को कट ऑफ कर दिया था, या ऐसा आपके साथ पहले हो चुका था, और आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर, या शायद किसी एक ने दूसरे पर अपना हार्ट क्लोज कर दिया था, पहले अपना हार्ट क्लोज कर दिया था। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड लवर्स, माय गॉडनेस। आप दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस मेंटेन हो गई थी, और आप लोगों ने इस बर्डन को हटाया, आप लोगों ने अपने बर्डन को हटाने की पूरी पूरी कोशिश करी, एक दूसरे को अपनी लाइफ से चॉइस लेकर वाइप आउट करने की पूरी कोशिश करी, बट योर कनेक्शन वॉज लाइक लवर्स कनेक्शन, एंजेलिक प्रोटेक्शन था इस लवर्स कार्ड, लवर्स कनेक्शन का। सेम सिचुएशन, आप दोनों में से कोई एक या दोनों थर्ड पार्टी एंटरटेनमेंट, यानी किसी और व्यक्तियों के साथ एंटरटेन करने पर डिटरमाइन होकर, और एक दूसरे को आपने इमोशनली हर्ट किया, और एक दूसरे से आप दूर हटकर अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग चले गए, और ये अलगाव आप दोनों के लिए बहुत पेनफुल साबित हुआ, और इसलिए अब आप फिर से इस पर एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। मेरे चैनल पर आने वाले सभी व्यूअर्स की एक ही जैसी स्थिति है, इसीलिए तो बार बार कार्ड वैसे ही निकल कर आ जाते हैं। द वर्ल्ड कार्ड, आप पूरी दुनिया में भी घूम जाएंगे तो आपको ऐसा कनेक्शन वापस नहीं मिलेगा आपकी जिंदगी। लवर्स कार्ड आया भी है इसमें, हालांकि ये किसी और में नहीं आया। This person is your past life love. This person is your true love. आप पूरी दुनिया में चिराग लेकर भी घूमेंगे ना तो ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में, या तो ऐसा वो सोच रहे हैं कि आपके जैसा व्यक्ति उनकी जिंदगी में दोबारा नहीं मिल सकता, और यही चीज अब उनको पेन क्रिएट कर रही है। What are they are thinking? They are very very much in depression. They are very much in deep thinkings. And now they are realizing that you are the true love of their life. Now they are realizing that जिस पर्सन के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी में शुरुआत करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति के साथ वो रहना चाहते हैं, वो व्यक्ति आप हैं। ऐसी they are this oh my goodness. Yes, previously जो heartbreak से आप गुजरे हो, previously जिस heartbreak से वे गुजरे, इस heartbreak से ऊपर उठकर, इस हार्टब्रेक से उबर कर, नाउ ही वांट्स अ स्टेबल न्यू बिगिनिंग विद यू, मैरिज, इट इज अ मैरिज कार्ड, नाउ ही वांट्स अ स्टेबल कमिटेड ऑफर, नाउ ही वांट्स टू गिव यू स्टेबल कमिटेड ऑफर, नाउ ही वांट्स मैरिज,
अब वो शादी करना चाहते हैं या आप किसी तरह के कमिटेड रिलेशनशिप में वो आना चाहते हैं। पाइल नंबर थ्री, दिस इज वेरी पॉजिटिव कार्ड, 11-11 कार्ड, इट इज अ ट्विन फ्लेम कार्ड टू। यहाँ पर लवर्स भी आया, दिस इज मे बी दिस इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। What they are thinking? They are thinking about marriage. They are thinking about commitment. They are changing. Okay? आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं। एंजल्स और एंसेस्टर्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं? जब एक टैरो कार्ड के रीडिंग पिके कार्ड में भी एक जैसी आती है तो इसका मतलब ये है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं ना, उनकी लाइफ में लगभग लगभग सेम तरह की प्रॉब्लम चल रही है, लगभग सेम तरह का लाइफ प्लान चल रहा है। इसीलिए ऐसा हो रहा है कि मैं बार 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 ऐसी ही एनर्जी में टैप करती हूँ। ओके, मैंने कहा ना आपको, मैंने कहा ना इसमें ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वाइब मुझे पहले ही मिल गई थी। सी ड्रीम कार्ड, ड्रीम एंड जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये इस कार्ड में पाइल नंबर थ्री के जो पीपल है ना, ये इनमें से बहुत से लोग ट्विन फ्लेम्स हैं। इनको ड्रीम्स में अपना ट्विन नजर आता होगा, इनको ड्रीम्स में अपनी एंजेलिक गाइडेंस दिखती होगी, और इनको ड्रीम के अंदर ये कहा जाता होगा कि अपनी जर्नी को फॉलो करो, अपनी जर्नी को फॉलो करो। आपका ट्विन किसी भी स्थिति में है, चाहे वो आपको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, आप अपनी जर्नी को सही डायरेक्शन में फॉलो करते रहिए, ऐसा इस के अंदर मैसेज है। मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। देखिए, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस, आपको जो इंट्यूशन के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स अभी इस वक्त अवेकनिंग के समय में, अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं, आप मेडिटेशन करते होंगे, आपको एंजेलिक गाइडेंस मिलती होगी, आपकी इंट्यूशन शार्प हुई होगी और हो रही होगी, तो आपको ये यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स और एंजल्स की तरफ से मैसेज है। टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस, जो मैसेजेस आपको आपका माइंड में चल रहे हैं, जो मैसेज आपको बार बार किसी साइंस के थ्रू, एंजेलिक साइंस के थ्रू मिल रहे हैं, उन साइंस के ऊपर आप ध्यान दीजिए। स्नेक, शेड द ओल्ड स्किन, सी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ये, अपने ओल्ड पैटर्न्स को, अपने दिमाग के पुराने दकियानुसी विचारों को निकाल फेंकिए, अपने दिमाग के बीमार पैटर्न्स के ऊपर काम कीजिए, अपने आप को एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन दीजिए, अपने आप को एक असेंडेड ह्यूमन बीइंग की तरह आप इवॉल्व कीजिए। वेरी नाइस मैसेज। एंड सी ईगल, सी फ्रॉम द हायर पर्सपेक्टिव, चीजों को बड़े पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू कीजिए। मे बी इस वक्त आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको इस ट्विन जर्नी में कोई फायदा नहीं मिल रहा, कोई सफलता नहीं मिल रही, या आपके ट्विन में किसी तरह का पॉजिटिव बदलाव नहीं आ रहा, पर ये पिके कार्ड रीडिंग बताती है कि फर्स्ट थिंग, ये पाइल नंबर थ्री इज मेजरली फॉर ट्विन फ्लेम्स, एंड सेकेंड थिंग इज दैट देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी और आपके ट्विन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप अपनी जर्नी में आगे चलते जाइए और आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन को आगे से आगे कंटिन्यू करते जाइए। सो पाइल नंबर थ्री, दिस वाज द मैसेज। नाउ वी विल चेक पाइल नंबर फोर। पाइल नंबर फोर, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। नंबर फोर, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। नंबर फोर, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। नंबर फोर, what they are thinking, what they are thinking, I want a different message, what they are thinking about you. आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त बहुत बर्डन है, इनके जिंदगी में किसी तरह की बहुत परेशानियां हैं, बहुत बड़ी परेशानियां हैं। 10 दो बार 10 कार्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। He is going through very much pain. He is going through a very tough time. जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ना, वो बहुत बर्डन और बहुत पेन से गुजर रहे हैं इस वक्त, वो अपनी जिंदगी की आई थिंक वर्स्ट टाइम से, वर्स्ट साइकिल से गुजर रहे हैं। पर अच्छी बात यह है कि दो 10 कार्ड्स का मतलब, आने का मतलब समय बदल रहा है, समय बदलने वाला है इस व्यक्ति के लिए, अब समय बदलने वाला है। टेन टेन टेन, इतनी बार 10 कार्ड्स, बिग 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 ट्रांसफॉर्मेशन, इस व्यक्ति की जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है।
इस व्यक्ति ने अपने पेन में काफी समय गुजारा, इस व्यक्ति ने काफी समय बर्डन में गुजारने के बाद में, बहुत वेट करने के बाद में, अब ये डिसाइड कर लिया है कि जिस भी वजह से इसको ये पेन कॉज हुआ है, जिस भी वजह से इसको ये बर्डन कॉज हुआ है, उन कारणों को ये अपनी जिंदगी में से निकालेगा और ये अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगा, ऐसा इस व्यक्ति ने सोच रखा है। ये व्यक्ति ना सिंहावलोकन कर रहा है, सिंहावलोकन मतलब अपने पास्ट में जाकर देख रहा है कि मैंने कहाँ 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 मिस्टेक्स कर दी थी, कहाँ कहाँ गलतियां कर दी थी, मेरे पेन की वजह कौन सी वो गलतियां थी, मेरे पेन का क्या कारण था, ऐसा इस व्यक्ति ने, ये व्यक्ति ना विचार कर रहा है। यस, ये व्यक्ति अपने 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 व्यक्तित्व में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, कंप्लीटली अपोजिट 180 डिग्री के टर्न लेने पर ये व्यक्ति अब विचार कर रहा है। व्हाट ही इज थिंकिंग। ये ना पहले, ये व्यक्ति पहले बहुत तो कम इमोशनल हुआ करता था, काफी रूड, काफी अग्रेसिव तरह का व्यक्ति हुआ करता था, एंड नाउ ही इज थिंकिंग कि आई शुड नॉट थिंक लाइक दिस, आई शुड बी मोर इमोशनल, ऐसा सोचकर ये व्यक्ति बड़े बदलाव के बारे में, व्हाट ही इज थिंकिंग, ये अपनी जिंदगी में एक बड़े बदलाव के बारे में सोच रहा है, क्योंकि जिस तरह का इसका पहला व्यक्तित्व है ना, उसकी वजह से इसको काफी बर्डन और काफी कॉज पेन हुआ है, पेन कॉज हुआ है, और इस वजह से अब ये अपने अपने आप में एक बड़ा बदलाव लेने के बारे में डिसाइड कर रहा है। पहले आपके आपके साथ रिलेशन के बारे में ही वॉज नॉट क्लियर, इसके इसका हार्ट तो क्लोज था, इसलिए इसको इस चीजों के बारे में समझ नहीं थी, इसको इसके दिल में आपके प्रति जो भावना थी, आपके प्रति जो प्रेम था, ये इस बात इसको नहीं समझ पाया था पिछली साइकिल में, ब्लू 10 10 10 लास्ट साइकिल में ये इस चीज को नहीं समझ पाया था, नाउ ही इज गेटिंग सम काइंड ऑफ क्लैरिटी, अब इसको क्लैरिटी मिल रही है, नाउ ही इज क्लियर। Now he is clear कि लड़ाई झगड़ा करने से, कॉन्फ्लिक्ट में रहने से मेरी जिंदगी में विशेष फुलफिल नहीं होंगी, मैं खाली का खाली रह जाऊंगा, मैं इमोशनली हर्ट होता रहूंगा, मुझे बैकस्टैब मिलता रहेगा, मुझे बर्डन मिलता रहेगा, ऐसी क्लैरिटी इस व्यक्ति को मिल रही, इसी डिवाइन जजमेंट कार्ड, किसी न किसी प्रकार की अवेकनिंग इस व्यक्ति को हुई और ये अवेकनिंग में आ रहा है, इसको इसको नॉलेज हुई है। नाउ ही वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट, नाउ ही वॉन्ट्स टू गिव some solid offer to you, because इसने बहुत समय, लंबा समय अकेले में गुजारा है, सोच विचार के गुजारा है, अपने डेवलपमेंट पर गुजारा है, कुछ तो इस व्यक्ति ने अपने खुद के ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट का काम किया है, जिसकी वजह से इसको क्लैरिटी मिली है। मे बी ये व्यक्ति ने आपके साथ में अलग रहने के बाद में, मैंने कहा ना अकेले में समय गुजारा, या फिर इसने मेडिटेट करके अपनी एनर्जीज को बैलेंस किया, और जिस वजह से अभी अपनी अपने आप में 180 डिग्री का टर्न लाने के, अपने व्यक्तित्व में पूरी तरीके से बदलाव लाने के विषय में विचार कर रहा है। नाउ ही वांट्स टू मूव पॉजिटिवली फॉरवर्ड, इट इज अगेन ट्विन फ्लेम कार्ड, ये भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इसमें से भी पाइल नंबर 4 जिन्होंने चयन किया, इसमें भी काफी लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। प्रीवियस साइकिल में अपने फेक ऑफर्स की वजह से ये व्यक्ति हार्ट ब्रेक झेल चुका है, मे बी मोर देन वन टाइम, और इसलिए अब फिर वही मैंने कहा ना, ही वॉन्ट्स टू कम क्लीन, अब ये व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में बहुत पॉजिटिव अच्छा बदलाव लाकर आपके सामने आना चाहता है। दिस इज वॉट ही इज थिंकिंग अबाउट, आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की ओर से। मुझे बार बार ऐसा ही लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, वो सभी एक ही तरह की लाइफ सिचुएशंस में हैं, इसीलिए मेरे जो एनर्जीज निकल के आती है वो उसी तरह की एनर्जीज निकल के आती है। फादर स्काई, ट्रस्ट इन द अननोन, आपके लिए ट्रस्ट, ईश्वर पर विश्वास कीजिए, सरेंडर कीजिए, आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और आपके लिए जो किया जाएगा ठीक किया जाएगा,
ग्रेट टीचर लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. मैंने कहा ना, या तो इस व्यक्ति ने किसी न किसी तरह का स्पिरिचुअल वर्क किया, या फिर आपने किसी न किसी तरह का स्पिरिचुअल वर्क किया और उस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की वजह से बदलाव आ रहा है, आप में भी आ रहा है और आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उसमें भी बदलाव आ रहा है. एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स. आपने अपने ऊपर और इस व्यक्ति ने अपने ऊपर जो काम किया, जो चेंजेस लाया, इसकी वजह से गुड टाइम्स इज अहेड, कमिंग अहेड. डायरेक्शन गाइडेंस, चूज योर पाथ. अगेन वही कहा जा रहा है, आप अपना हीलिंग का पाथ, जो पाथ आपने चुना है, जो आपके गार्डियन एंजल्स ने आपको सुझाया है, इस पाथ पर आप चलते रहिए. ट्रस्ट इन द अननोन. यदि आपने ईश्वर को सरेंडर किया है तो आप इस पाथ पर चलते रहिए. आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो गेन कर रहे हैं उस एक्सपीरियंस के बेस पर आप आगे बढ़ते रहिए. एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स, यू विल रीप रिवॉर्ड्स फॉर व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर सोल ग्रोथ, फॉर योर सोल डेवलपमेंट. तो डियर व्यूअर्स, ये थी हमारी रीडिंग फाइल नंबर 1, 2, 3 और 4 के लिए. और क्वेश्चन था व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू. तो आई थिंक आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, मुझे तो बहुत पसंद आई. लेकिन चारों ही रीडिंग्स लगभग लगभग एक जैसी ही थी, दैट आई कांट हेल्प. जैसे मैसेज आए वैसे मैसेज मैंने आपको डिलीवर कर दिए. और आप लोगों के लिए जो एंजेलिक गाइडेंस आई है, आप उन गाइडेंस को फॉलो कीजिए. तो डेफिनेटली आप जिस भी जर्नी में हो, चाहे आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या आप एक सोलमेट जर्नी में हो, या आप एक कार्मिक जर्नी में हो, आपको बेटर रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आप बेटर टाइम की ओर मूव करेंगे. हम उससे बहुत सारे लोग पूछते हैं कार्मिक सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स के बारे में. जैसे जैसे आपका एनर्जी हाई होती जाती है, जैसे जैसे आप हायर वाइब्रेशन में ऑपरेट करने लगते हैं, आपके कार्मिक डेप्थ्स कम पड़ने लगते हैं, लूज होने लगते हैं, तो आपके कार्मिक रिलेशंस आपसे दूर होते हैं, आपके पेन हर्ट कॉज करने वाले लोग आपसे दूर हटते हैं. उसके बाद आप सोलमेट रिलेशनशिप में एंटर करते हो, और जब और हायर वाइब्रेशन में आप जाते हो और अपनी एनर्जीज को आप हील करते हो, तो एक लेवल पर आने के बाद आप सोलमेट रिलेशनशिप से जंप करके ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स के अंदर आप एंटर कर जाते हो, जहां आपके सोल का पर्पस केवल उसकी खुद की हीलिंग होता है, जिसका पर्पस केवल सोल डेवलपमेंट होता है. तो यदि आप एक जिस भी कंडीशन में अभी आप हो ना, लगातार अपनी एनर्जी को रेज करने की, अपनी वाइब्रेशंस को रेज करने की कोशिश कीजिए, आप अपनी सोल ग्रोथ में अप होते जाएंगे और आपके जो लाइफ के एक्सपीरियंस है वो भी ठीक 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 होते जाएंगे. ओके, सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, मैंने किया. स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय.